क्या आप लोगों को भी फ्रॉड कॉल्स आता है? तो ये वीडियो आपके लिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। देखिए, हर किसी के साथ ऐसा हो सकता है। आजकल मतलब कुछ ऐसा लोग है कि खाली थक थक करके ही आपसे पैसा हड़पने की सोच रहा है। आज सुबह भी मेरा साथ ऐसा हुआ है। मैं एक वीडियो एडिटिंग काम में व्यस्त था, तभी एक फ़ोन कॉल आया। मैं फ़ोन कॉल जो फ़ोन नंबर है वो स्क्रीन पे दे देता हूँ। हाँ, इस नंबर से फ़ोन आया और मुझे बोला गया कि इंडियन टेलीकॉम डिपार्टमेंट से फ़ोन किया हूँ, 2 घंटे के अंदर आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा, जो भी आपके नाम पे फ़ोन नंबर है सब बंद हो जाएगा, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र अंधेरी में आपकी नाम से किसी ने एक सिम कार्ड निकाला हुआ है और उस सिम कार्ड से बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहा है। तो महाराष्ट्र पुलिस के पास इसका FIR भी है। तो आपको 2 घंटे के अंदर मुंबई महाराष्ट्र अंधेरी जाना होगा और पुलिस स्टेशन जाके आपने ये काम नहीं किया है ये बताना होगा, ऐसा आया। तो मैं तो रहता हूँ असम में, मैं असम का बंदा हूँ। लाइफ में कभी भी मैं असम से बाहर, एक बार नेपाल गया हूँ आँख की ऑपरेशन के लिए, एक बार गया हूँ भूटान, वो भी भैरवकुंड, हमारा लोकल पिकनिक स्पॉट है, भैरवकुंड के नज़दीक ही भूटान है। तो कुछ भूटान का दिखा के थोड़ा सा हम लोग भूटान के अंदर जा सकते हैं, ऐसा कुछ। कभी भी लाइफ में मैं असम से बाहर गया ही नहीं। तो मुझे बोला गया है कि मेरा नाम से कोई सिम कार्ड यूज़ कर रहा है, वो भी असम के बाहर मुंबई महाराष्ट्र में। तो हम लोग तो नॉर्मल आदमी है ना, थोड़ा सा दिक्कत में पड़ गया मैं। और ये भी मुझे दिखाया गया, हाँ, उन लोगों ने एक एड्रेस भी दिया, मुंबई महाराष्ट्र पुलिस का एड्रेस भी दिया, जिसपे मुझे 2 घंटे के अंदर असम से मुंबई जाना होगा, ऐसा बोला। मुझे तो लगा कि ये फ्रॉड कॉल है, फिर भी महाराष्ट्र पुलिस बोला तो थोड़ा सा डर हुआ। कोई भी कर सकता ना, क्योंकि आजकल मोबाइल में इतना फ्रॉड कॉल आता है और वीडियो वेरिफिकेशन भी होता है। जैसे कि कुछ दिन 6 महीना पहले मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए वीडियो वेरिफिकेशन भी किया था, और हम लोग यहाँ वहाँ जेरोक्स कॉपी तो देता ही है ना, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा दिक्कत महसूस किया। और उन लोगों ने ये भी बोला है कि आपके नाम पे FIR दर्ज हुआ है, FIR नंबर भी मुझे लिखने के लिए बोला, तो FIR नंबर भी मैंने लिख लिया। और उन लोगों ने डायरेक्टली मुंबई महाराष्ट्र पुलिस से कॉन्टेक्ट भी कर दिया। मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया, लेकिन फिर भी मैंने सोचा। उन लोगों ने बोला कि आपको एक वीडियो वेरिफिकेशन लेटर मुंबई पुलिस से मिल जाएगा, लेकिन आपको अपना डिटेल्स देना होगा। और उन लोगों ने मुंबई पुलिस से मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर दिया। देखिए, भारतीय टेलीकॉम विभाग ने मुझे मुंबई पुलिस से डायरेक्टली कनेक्शन कर दिया, वो भी वीडियो वेरिफिकेशन करने के लिए। मुझे थोड़ा सा संदेह हुआ, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना, भारतीय टेलीकॉम विभाग और मुंबई महाराष्ट्र पुलिस, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे एक प्राइवेट रूम में जाने के लिए बोला, एक पुलिस वाला दिखाई दिया, लेकिन दे हाँ एक पुलिस वाला दिखाई दिया। तो मैंने सोचा कि शायद सच्ची होगा, तो मुझे संदेह, मेरा मन में संदेह भी है, लेकिन मैं रूम में गया। तो मैंने सोचा था कि डायरेक्ट वीडियो मुँह से ही बोलना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट शो नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों ने तो कुछ टाइम होल्ड करने के बाद मुझे बोला कि वीडियो से होल्ड किया कि आपका ओरिजिनल आधार कार्ड हमें शो कीजिए। तब मैं थोड़ा सा मतलब मुझे मेरा दिमाग तभी चला। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं ओरिजिनल आधार कार्ड या वोटर आईडी या कुछ भी डॉक्यूमेंट शो करूँ वीडियो वेरिफिकेशन में ऐसा थप्पा लगा के, तो वो लोग तो हर कई काम में यूज़ कर सकता है ना। तो इसलिए मैंने नज़दीकी पुलिस स्टेशन गया, जो कि मंगलोई पुलिस स्टेशन मेरा नज़दीकी है। मैंने नज़दीकी पुलिस स्टेशन गया और जाके पुलिस को सारा बता दिया। पुलिस ने बोला कि ठीक है, आपने अच्छा ही किया, लेकिन आपने जो वीडियो वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा तो दिखाया नहीं ना, ये तो आपने अच्छा किया, अगर दिखाया होता तो
और भी इलीगल एक्टिविटी वो लोग कर सकता था। तो पुलिस को मैंने एक लिखा दिया, रिटर्न दिया, क्योंकि फ्यूचर के बारे में हम लोग छोटा आदमी है ना, सोचना पड़ता है फ्यूचर, फ्यूचर सेफ्टी के लिए। मंगलोर पुलिस दरंग असम, मैंने एक रिटर्न दिया विस्तार में लिख के, और पुलिस ने मुझे गाइड किया कि आप एक बार बैंक जाओ। तो बैंक में आया, SBI बैंक आके मैंने मैनेजर से बात किया। मैनेजर ने मुझे एक नंबर दिया जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड है, उस पर भी मैंने कॉल किया और बैंक को भी बता दिया। ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि ये हर कोई के साथ हो सकता है, चाहे आप जितना भी पढ़ा लिखा हो, जितना भी आप ये सब जानते हो, हर कोई के साथ ये हो सकता है। क्योंकि हम लोग है ना कि विभिन्न परिस्थिति में हम लोग रहते हैं। हम हमें पता है आजकल फ्रॉड कॉल आता है, लेकिन देखिए मुझे कैसे ब्रेन वॉश किया गया। मुझे डायरेक्टली इंडियन टेलीकॉम से फ़ोन आया, बोला, उसके बाद बोला कि मुंबई पुलिस का जो लोगो हुआ है व्हाट्सअप किया, और व्हाट्सअप पे मैंने वीडियो कॉल रिसीव किया तो डायरेक्टली एक पुलिस वाला दिखाई दिया जो खाकी वर्दी में है। तो ये सब इतना ओरिजिनल वो लोग दिखाता है ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, और इस कंफ्यूजन में आप लोग अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हो, और इसका वो लोग मिसयूज करता है। जो वीडियो वेरिफिकेशन करता है ना, मेरा नाम कमल, जो भी आपका नाम डॉक्यूमेंट के साथ, वो रिकॉर्डिंग करके वो लोग कोई दूसरा डॉक्यूमेंट निकल लेगा आपके नाम पे और मिसयूज करेगा। इसलिए सावधान होइए, सतर्क होइए, कोई आपको कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। एक बात और, ऐसा कोई एक्टिविटी अगर हो रहा है ओरिजिनली आपके नाम पे, कोई दूसरा कोई गंदा काम कर रहा है दूसरे जगह पर, तो आप डायरेक्टली पुलिस ने बोला है कि मुझे पुलिस स्टेशन में ही आएगा, आपका कोई फ़ोन नहीं आएगा। अगर दूसरा स्टेट में आपके नाम पे कोई दूसरा काम हो रहा है, इलीगल एक्टिविटी हो रहा है, मान लो कि आपने खुद भी दूसरा स्टेट में जाके कोई इलीगल एक्टिविटी किया, तो आपका जो ओरिजिनल एड्रेस है, एड्रेस के नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन होगा, पुलिस स्टेशन में ही आपका कंप्लेन आएगा, और ये लोग आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए या तो थाना बुलाएगा या तो आपके पास आएगा। तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है कि हर कोई के साथ ये हो सकता है। मेरा साथ आज ये हुआ है, सुबह 10 बजा ही नहीं था, माइंड दिन तो खराब कर दिया आज मेरा, पूरा खराब कर दिया। तो इसीलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, कोई आपका कुछ भी कर नहीं पाएगा। तो इसलिए ये फोर्ट कॉल को दीजिए। बाय बाय।